हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ लिक्विड बीज के बारे में कुछ पांच से छह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे समराइज करके रखे हैं, मैं आपको बताने वाला कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। इसमें से कुछ आपको पता हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लिक्विड बीज जो बहुत पॉपुलर एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की डेप्ट स्कीम है, जो एक्चुअली रिलायंस लिक्विड बीज के नाम से जानी जाती है, मगर उसका पॉपुलर नाम लिक्विड बीज है। तो ये बहुत सारे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे डीमैट अकाउंट वगैरह, उसके थ्रू इसमें ट्रेडिंग हो सकता है, ट्रेडिंग या फिर बाइंग और सेलिंग ईजिली हो सकता है। तो बेसिकली लिक्विड बीज में इन्वेस्ट करने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि बैंक डिपॉजिट में जैसे एंट्री और एग्जिट चार्ज नहीं होता, ईजिली आप लोग कभी भी जब चाहे तब ब्रेक और क्रिएट कर सकते हैं। तो वो बेनिफिट लिक्विड बीज में डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सेम एफडी जैसे बेनिफिट मिलता है। दूसरा, आपके पास अगर आइडल कैश है या फिर इमरजेंसी फंड आपने बना के रखा हुआ है कभी इमरजेंसी में बड़े केसेस के लिए यूज़ करने के लिए, तो वो आप इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें T+2 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल होता है। तो जब भी आप विड्रॉवल या फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसका यूनिट आपके अकाउंट में इशू होने तक या फिर विड्रॉवल करने तक 2 दिन तो मिनिमम लग जाते हैं मोस्ट केसेस में। और इसका ट्रांजेक्शन जो होता है वो डीमैट अकाउंट से मोस्टली होता है। जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्टली विदाउट डीमैट अकाउंट रिलायंस की वेबसाइट से भी बाय और सेल कर सकते हैं, मगर कन्वीनियंट डीमैट अकाउंट से होता है। उसके बाद इसमें सेबी ने पर डे विड्रॉवल का, मैक्सिमम विड्रॉवल का जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, 50,000 रुपये का लिमिट है इसके ऊपर। ओके, एक दूसरा पॉइंट इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो लिक्विड बीज होते हैं वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लिक्विड बीज होते हैं, रिलायंस लिक्विड बीज, तो ये कमर्शियल पेपर जो अलग अलग इंडस्ट्रीज इशू करते हैं, बाद में गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल्स इशू करता है 90 डेज के या फिर 60 डेज, 30 डेज, ऐसे अलग अलग जो मंथली, 2 मंथली, 3 मंथली पेपर्स होते हैं, तो उसके अंदर लिक्विड बीज इन्वेस्ट करते हैं। इनको रिस्ट्रिक्शन है कि ये 91 डेज अबो वाले पेपर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रिसेंटली जो रिक्लासिफिकेशन हुआ म्यूचुअल फंड्स का, तो उसके अंदर ये नया चेंज आया था। तो एनीवेज वो 3 मंथ्स के पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं, टी बिल्स में वगैरह। इसके ऊपर रिटर्न्स कितना होता है तो वो मोस्टली वैरी होता है, मगर वो रेंज में होता है, 6 से 8% या फिर 8.5% तक मैक्सिमम इसमें अब तक हिस्टोरिकल रिटर्न्स मिलता है। लिक्विड बीज में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा ये है कि जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, बेसिकली लिक्विड बीज 65% अब वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड या फिर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इसकी वजह से इसे डेब्ट फंड ट्रीट किया जाता है, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो इसको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है कि आफ्टर 3 ईयर्स तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाता है। और अगर आप 3 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, आपके लिक्विड बीज सेल करते हैं 6 दिन में, 5 दिन में या फिर 1 साल में, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें से जो भी बेनिफिट होता है वो कंसिडर किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्स करने का तरीका क्या है कि वो आपकी जो बेसिक इनकम है, जो मेन इनकम है, उसके अंदर ऐड किया जाएगा, और जो आपका जो टैक्स ग्रुप होगा उसके हिसाब से या फिर जो भी टैक्स आपको लग रहा होगा वो टैक्स उसको लगेगा, 5%, 10%, 15% जो भी है। और अगर आप शॉर्ट लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करते हैं, तो आपको 20% विथ इंडेक्सेशन उसका बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट से उठा सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो हाई नेटवर्थ वाले लोग होते हैं, जिनको 30% वगैरह टैक्स लगता है, तो वो अगर इसमें एफडी के जगह, एफडी में उनको 30% अबो तक टैक्स लगता है, तो फिर उसके जगह अगर वो इसमें डालते हैं तो उनको जो टैक्सेशन है वो 10% से भी कम में आ जाता है, इंडेक्सेशन के वजह से या फिर क्यूमुलेटिव यील्ड के वजह से। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, और मैं कोई टैक्स एडवाइज़र या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। तो प्लीज़, ये मेरा, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपके साथ एक वीडियो ब्लॉग काइंड ऑफ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा डिस्क्लेमर उसके लिए रेफ़र कीजिए। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे स्किप किया था, वो ये था कि लिक्विड बीज में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा एक ये होता है कि इसके अंदर जो पेपर्स होते हैं इसके पोर्टफोलियो में, वो 91 डेज के मैच्योरिटी के होते हैं। तो जब अभी फिलहाल तो जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो 8% 9% तक चला गया है क्रेडिट क्रंच की वजह से या फिर अलग रिक्वायरमेंट्स की वजह से।
अभी तो लिक्विड बीज इतने आपको बेनिफिशियल नहीं दिखेंगे क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट 6 से 8% के बीच में वैरी होता है, मगर जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तब FD पे जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो फिक्स ही रहता है या फिर वो उस टाइम के इंटरेस्ट रेट से आपको मिलेगा। मगर लिक्विड बीज में जो पेपर्स आते हैं वो रिसेंट पेपर्स वो बाय करते हैं, तो रिसेंट पेपर्स पे जो यील्ड होता है वो कंपेरेटिव ज़्यादा होता है जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, तो ये एक बेनिफिट लॉन्ग टर्म में लिक्विड बीज में कंपेरेटिवली होता है। तो ओवरऑल जब एवरेज आउट लॉन्ग टर्म का निकालेंगे आप तो लिक्विड बीज में वो बेनिफिट आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आपको यहाँ से बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है रोलिंग ऑफ पेपर की वजह से। दूसरा एक रिस्क इसके अंदर ये है कि ये क्रेडिट फंड है और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, तो क्रेडिट का एक रिस्क होता है। रिसेंटली एक आयरलैंड FS का बैंकरप्सी वाला इशू हुआ था, तो उसमें बहुत सारे जो डेप्ट म्यूचुअल फंड थे उनके एक एक दिन में जो NAV था वो 6% 7% 8% ऐसे ड्रॉप हुआ था, क्योंकि उन्होंने कुछ जो SPVs के वगैरह पेपर्स थे उनको सेपरेट आउट किया था या फिर सेपरेट ट्रीट किया था, तो वो एक रिस्क इसमें रहता है। हालांकि वो रिस्क बहुत पोर्टफोलियो में स्प्रेड रहता है तो इसके वजह से उसका इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से आप अगर ऑडेशियस इन्वेस्टर हैं तो आई थिंक कि अगर मैं थोड़ा कंपेयर टू FD अगर मैं सोचूं तो मुझे तो लिक्विड बीज थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें रिडेम्पशन आप किसी भी अमाउंट में कर सकते हैं, 1,000 2,000 3,000 ऐसे, मगर FD में आपको पार्शियल विड्रॉवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपकी FD 1,000 की नहीं हो तो। ओके, तो ये लास्ट का एक पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूँ कि इसका बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा लिक्विड बीज के बारे में बात करते हुए, उसके इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो उसके बारे में बताते हुए, मगर उसका जो पोर्टफोलियो उसमें कौन से पेपर्स हैं क्या है प्रेजेंट टेंस में तो वो आपने कहीं देखा नहीं होगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिलायंस की म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इनका फैक्ट शीट ओपन किया है, तो इसके अंदर जो फैक्ट शीट में अलग अलग फंड के जो पोर्टफोलियोज है, ये ट्रेजरी प्लान मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं रिलायंस लिक्विड फंड उसके एसेट है, तो यहाँ पे आप राइट साइड में ये जो पूरी लिस्ट दी गई है इसमें देख सकते हैं कि 4% जो है वो बिल्स री डिस्काउंटिंग है या अनरेटेड है, तो 43% जो है वो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स है जैसे कि विजया बैंक, IDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, 8% 7% 7% 5.5% अलग अलग ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सबकी रेटिंग बहुत अच्छी खासी है, तो नॉट एन इश्यू ऑफ वरी राइट नाउ। ओके, और दूसरा जो है 48% जो है वो कमर्शियल पेपर्स है, उसमें सबसे ज़्यादा रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड, फिर वेदांता लिमिटेड, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये एक्चुअली हर तीन दो तीन दो तीन महीने में चेंज होते रहते हैं, तो ये करंट 31 दिसंबर तक का स्टेटस है। ये अलग अलग वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा वैल्यू होम्स लिमिटेड, एमामी लिमिटेड के जो पेपर्स है वो आधा आधा टका 1 टका 2 टका ऐसे हैं। उसके बाद कॉरपोरेट बॉन्ड में लगभग 4.5% तक का इन्वेस्टमेंट है इस फंड का, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनकी कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड में इनका 2.5% तक का है, ट्रेजरी बिल्स में 6.5% तक का है, और जीरो कूपन बॉन्ड में 0.3% है। तो मेजॉरिटी जो है वो कमर्शियल पेपर्स है प्राइवेट कंपनीज के अच्छे खासे रेटेड वाले, और सर्टिफिकेट डिपॉजिट 43% है। ओके, तो ये था फ्यू पॉइंट्स अबाउट लिक्विड बीज। शेयर मार्केट फंड सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।